हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। आज हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी की। तो चैट जीपीटी क्या है, ये कैसे काम करता है और कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो ये चैट जीपीटी ले लेगा और कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो सेफ रहेंगी, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन पूछते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया कि कौन सी जॉब हमारी जो सेफ रहेगी और कौन सी जॉब्स ये ले लेगा। तो बहुत सारी ऐसी जॉब हैं जो चैट जीपीटी के आने के बाद भी वो सेफ रहेंगी, और बहुत से ऐसे जॉब्स हैं जिनको चैट जीपीटी पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा। और ये भी लोगों के दिमाग में आता है, क्या ये कोडिंग की भी जॉब्स ले लेगा, ठीक है ना। तो इन सब की बात हम करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हों तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसको चलिए हम बात करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब हम चैट जीपीटी से ही लेते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या बताता है। तो चलिए आ गए हैं चैट जीपीटी के पास। तो चैट जीपीटी क्या है, बेसिकली ये एक एआई मॉडल है और ये ऑनलाइन मौजूद है। आप इसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर ओपन एआई की वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन करके इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। हमने साइन अप किया हुआ है और यहाँ पर हम साइन अप करके यहाँ पर आए हुए हैं। हम आपको पूरी प्रोसेस वो भी बता देंगे, कैसे आपको साइन अप करना है और कैसे आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले से जो हमारा आज के वीडियो का टॉपिक है कि चैट जीपीटी कौन कौन सी जॉब्स को ले लेगा, या फिर जितने भी एआई मॉडल आए हैं वो कौन कौन सी जॉब्स को ले लेगा, और या फिर कौन सी जॉब्स इसमें सेफ रहेंगी। तो सबसे पहले तो हम चैट जीपीटी से यही पूछते हैं कि भैया आप कौन हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं ये क्या बताते हैं, और फिर उसके बाद जो है बात हम आगे करेंगे, या इनसे हिंदी में ही पूछते हैं ताकि जो है आप लोगों को भी आसान रहेगा समझने में। तो चलिए ठीक है, हम इनसे पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं। तो देखिए अब ये क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहा है, मैं चैट जीपीटी हूँ, एक भाषा मॉडल हूँ जो ओपन एआई द्वारा बनाया गया हूँ, और मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ जो आपके सवाल का जवाब देता है और कैसे मदद कर सकता है, और कैसे मदद कर सकता हूँ ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम इनसे यही पूछते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए पूछते हैं कि भाई ये क्या कर सकते हैं। तो अब हमने इनसे पूछा है कि भाई आप क्या कर सकते हो, तो देखिए ये बता रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये बता रहे हैं, पहली चीज़ इन्होंने बताया कि हम सवालों के जवाब दे सकते हैं, मतलब आप दुनिया में कोई भी क्वेश्चन इनसे करिए, ठीक है ना, ये उसका जवाब देंगे, ठीक है ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है कि हमें नहीं पता है तो ये जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अब कैसे, जैसे एक हम जो है क्वेश्चन पूछते हैं, मान लीजिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कोविड-19 कहाँ से आया, ठीक है ना, यही पूछ लेते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन चलता है कि भाई ये कोविड-19 कहाँ से आया। तो देखिए ये क्या बताता है, चलिए देखते हैं। देखिए ये साफ साफ यहाँ पे बता रहा है, बाकी तो ये बता रहा है कि ये क्या है, ठीक है ना। ये बता रहा है कि पहली बार वुहान में चाइना में आया, ठीक है ना। उसके बाद ये बता रहा है कि ये व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है, और बाकी ये सिम्टम्स बता रहा है। और ये देखिए बता रहा है कि कोविड-19 का एग्जैक्ट जन्म स्थान के बारे में मैं अभी तक पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं हूँ, एंड हालांकि एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के अनुसार इसका जन्म स्थान एक सी फूड मार्केट से हुआ है, समुद्री भोजन, ये उसी चाइना वाली जो है उसकी मार्केट के बारे में बता रहा है, और तो इसी के बारे में बता रहा है। तो इस तरीके से जो है इसने, हमने एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछा कि कोविड-19 कहाँ से आया, तो इसने जवाब दे दिया। तो ये एक तो हमने सिली क्वेश्चन पूछा, और बाकी जो है आप जो भी आप इससे कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको तो, लेकिन सबसे पहले हमारा फोकस है
ये क्या कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी जो है नहीं पता है कि ये क्या कर सकता है, तो इसको पहले देख लीजिए, फिर हम इससे ये भी पूछेंगे कि आपकी कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा काम ये राइटिंग, तो राइटिंग कर सकता है ये, ठीक है ना, आपको राइटिंग में मदद कर सकता है। आप कुछ लिख रहे हैं ऑटो कंप्लीट कर देगा, कोई गलती है वो बता देगा, सजेशन बता देगा, लैंग्वेज का ट्रांसलेशन कर देगा, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देगा। आप कुछ भी कोई भी टॉपिक है ना समझ में आ रहा हो आप टाइप करिए, उसको समझा देगा कि एकदम आसान भाषा में। क्रिएटिव राइटिंग कर सकता है, ठीक है ना, और बाकी जनरल नॉलेज का काम कर सकता है। ठीक, चलिए ठीक है। अब हम इनसे अपने क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हमको पहला क्वेश्चन था कि भाई ये क्या, ये कौन कौन सी जॉब्स ले लेगा, ठीक है ना, तो चलिए हम इनसे पूछते हैं कि ये कौन कौन सी जॉब ले लेगा। तो चलिए इनसे पूछते हैं हम, आप कौन सी जॉब्स को रिप्लेस कर दोगे। आसान भाषा में पूछते हैं जैसे पूछा जाता है। चलिए देखिए ये जवाब दे रहे हैं, तो इसमें देखिए ये बता रहे हैं कि जब तक आप ओके, तो देखिए मैं किसी को भी रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ, मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ जो भाषा में प्रश्न और उत्तर देता हूँ। हालांकि एआई ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ने कुछ काम करके कुछ काम के तरीकों में बदलाव लाया है और कुछ जॉब्स को प्रभावित किया है, तो इसमें जो है जो काम रिपेटेटिव किए जा सकते हैं उसको लाया है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जो जहाँ पर जैसे बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो डेटा से रिलेटेड हैं, या फिर बहुत सारे जो है रेपिटेशन से रिलेटेड हैं, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, ठीक है ना, तो उनको ये रिप्लेस कर देगा। हमको इसको थोड़ा सा जो है इंग्लिश में पूछने दीजिए, क्योंकि ये देखिए ये आप लोगों के लिए थोड़ा समझना आसान होगा कि क्या क्या जॉब्स ये रिप्लेस कर सकता है, ठीक है ना। तो ये देखिए आसान भाषा में ये बता रहा है कि कस्टमर सपोर्ट, जो भी कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है ना, तमाम आप सारी वेबसाइट पे जाते होंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछते होंगे, तो वहाँ पर जो है अब चैट बॉट हैं, तो चैट बॉट आपको जवाब देते हैं। किसी वेबसाइट पे जाइए तुरंत आ जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, आप क्वेश्चन डालते हैं उसके आंसर देते हैं, तो एक कस्टमर सपोर्ट का काम हो गया। कंटेंट जनरेशन, कंटेंट जनरेशन का काम कर सकते हैं कि आपको किसी पे आर्ट किसी चीज़ पे आर्टिकल लिखना है तो आप इसे कहिए कि आर्टिकल लिखो, तो ये आर्टिकल लिख के दे देगा किसी भी चीज़ के बारे में। अभी जैसे मान लीजिए अगर हमें यूट्यूब का वीडियो बनाना हो तो हम उससे कहें कि भाई आप इसकी जो है पूरी स्क्रिप्ट लिख के दे दीजिए, तो वो स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। तो जो भी हम इससे कहेंगे करने को वो कर देता है बहुत आसानी से, ठीक है ना। और तो ये कंटेंट जनरेशन के लिए बहुत अच्छा टूल है कि मान लीजिए आपको कहीं पे स्पीच देना है तो पूरी आप अपनी स्पीच उसको बता दीजिए कि हम ये स्पीच में रखना चाहते हैं, वो सब जो है उसका इस्तेमाल करते हुए कर देगा। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, तो हमने बताया है कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन बहुत आसानी से कर देगा। तो डेटा एनालिसिस का भी काम ये बहुत आसानी से कर सकता है, रिसर्च असिस्टेंट का काम कर सकता है। तो ये सारी जॉब्स हैं जहाँ पर ज़्यादा खतरा है। कस्टमर सपोर्ट हो गया, कंटेंट जनरेशन हो गया, लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, रिसर्च असिस्टेंट हो गया, तो इन सारी जॉब्स पे ज़्यादा खतरा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो अब हम इससे ये पूछते हैं कि भाई कौन सी जॉब सेफ रहेंगी। हाँ, तो कौन सी जॉब सेफ हैं, तो चलिए उनसे पूछते हैं। या ऐसे ही पूछ सकते हैं विल बी सेफ।
अब ये हमें बताएगा कि कौन सी जॉब सेफ रहेंगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जॉब अगर आपकी इनमें से कोई जॉब है तो आप जो है कम से कम जब जो भी एआई का लेटेस्ट मॉडल, देखिए हम जो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये चैट जीपीटी का लेटेस्ट मॉडल है, हम चैट जीपीटी 4 में जो है ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये सबसे पावरफुल मॉडल इस समय है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए तो देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि क्रिएटिव प्रोफेशंस, तो जो भी क्रिएटिव प्रोफेशंस हैं वो अभी सेफ हैं, ठीक है ना, उसको चैट जीपीटी या अभी कोई ए मॉडल जो है रिप्लेस इतनी आसानी से नहीं कर सकता। जैसे राइटर्स हो गए, जैसे पोएट्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, पेंटर्स हो गए, और जितने भी क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं तो उनकी जॉब तो सेफ है। हेल्थ केयर और थेरेपी, तो हेल्थ केयर में जो है काफ़ी जो है ह्यूमन, देखिए जो भी प्रोफेशंस ऐसे हैं जहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है ना, और जहाँ पे एम्पथी इन्वॉल्व है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स इन्वॉल्व है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, थेरेपिस्ट हो गए, काउंसलर्स हो गए, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर कोई खतरा नहीं है, ठीक है ना। तो हालांकि जो है रोबोट्स हैं, तमाम सर्जरीज रोबोट्स के जरिए से की जा रही है, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल जो है इस सेक्टर में इस मॉडल से तो खतरा नहीं है, ठीक है ना। फिर आगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, तो अब बहुत सारी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी जहाँ पर डिसीजन मैटर करता है, क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है कि आपको सोचना पड़ता है, जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स हो गए, इन सब की जॉब जहाँ पर ह्यूमन एक्सपर्टीज मैटर करती है, जजमेंट मैटर करता है, वो सारी जॉब्स भी सेफ हैं। अब नेक्स्ट बात करें स्किल्ड ट्रेड्स, तो जो भी स्किल्ड ट्रेड्स हैं जैसे हैंड्स ऑन वर्क जहाँ पे इन्वॉल्व होता है, क्राफ्टमैनशिप हो गई, टेक्निकल स्किल्स हो गए, तो जैसे इलेक्ट्रिशियंस हो गए, प्लम्बर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, मैकेनिक्स हो गए, तो ये सब जितने भी लोग हैं जो आप देखते हैं जो है जो आपके चारों तरफ लोग काम करते हैं, ठीक है ना, तो ये फिर इनको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स भी बोलते हैं। तो ब्लू कॉलर जॉब्स अभी फिलहाल तो जो है इसकी वजह से एटलीस्ट जिस एआई की इस जो जो चैट जीपीटी आया है या फिर गूगल ने बार्ड लॉन्च किया है, तो इनकी वजह से ये तो इफेक्ट अफेक्टेड नहीं होने वाले हैं। और क्योंकि भाई इनका जो है स्किल्ड पर डिपेंड करता है, तो अब ये हाँ ये जरूर है कि फ्यूचर में रोबोट्स आ जाएंगे, बहुत सारी चीजों पर जो है ऑटोमेशन में हो रहा है, काम चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल इन सब चीजों से इस पर खतरा नहीं है, जो अभी चाहे चैट जीपीटी की बात करें और चाहे हम गूगल के बार्ड की बात करें। एजुकेशन और ट्रेनिंग, तो टीचर्स देखिए हम लोगों भी सेफ हैं अभी, क्योंकि टीचर्स इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए एक चीज और है कि हालांकि आप तो ये बहुत सब दुनिया का, हम तो इसको कहेंगे दुनिया का सबसे अच्छा टीचर है क्योंकि इसको सब कुछ पता है, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट की नॉलेज है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है देखिए जब बात आती है टीचिंग की, ट्रेनिंग की, तो वहां पर जो है वहां पर टीचर का इन्वॉल्वमेंट होता है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में, तो ये आपको मोटिवेट जो है उस तरीके से नहीं कर पाएगा जो जो है एक ह्यूमन इंटरेक्शन से वो मोटिवेशन होता है, ठीक है ना। ऐसे तो किताबें बहुत सारी हैं, बहुत कुछ है, आपके अंदर पढ़ने का वो मोटिवेशन होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, तभी आप पढ़ सकते हैं। तो जब आप एक क्लासरूम में जाते हैं, टीचर से बात करते हैं, अभी भी आप सीख रहे हैं, तो आपको एक मोटिवेशन मिल रहा है, तभी आप कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है एजुकेशन और ट्रेनिंग की जॉब भी फिलहाल सेफ हैं। और बाकी लीडरशिप, यहाँ पर लीडरशिप इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना, तो वहां पर भी चाहे वो बिजनेस लीडर्स हो गए, किसी भी तरीके के लीडर्स हो गए, यहाँ पर भी लीडरशिप इन्वॉल्व होगी, वहां पर भी जो है वहां भी जॉब सेफ है। तो अब देखिए अब हम इससे लास्ट क्वेश्चन जो है पूछने वाले हैं कि क्या कोडिंग की जॉब ये ले लेगा। देखिए कोडिंग की जॉब ये नहीं ले पाएगा, ठीक है ना, तो लेकिन अभी बहुत सारी जॉब्स मतलब लेकिन कोडिंग में ये बहुत कुछ कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन दिखाते हैं हम आपको, देखिए इसी से पूछते हैं फिर ये बताएगा।
देखिए अब ये बता रहा है कि जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं एआई लैंग्वेज मॉडल हूँ, मैं असेस कर सकता हूँ प्रोग्रामिंग टास्क को, कोड प्रोवाइड कर सकता हूँ, और बट आई कैन नॉट रिप्लेस प्रोग्रामर्स इंटायरली। तो ये प्रोग्रामिंग के लिए खतरा है, देयर इज नो डाउट, लेकिन ये प्रोग्रामर्स को इंटायरली रिप्लेस नहीं कर पाएगा। देखिए बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामर्स हैं, तो उनका क्वेश्चन आता है कि जो है क्या अब हमें कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, क्या अब हमें प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है ना। तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है ना। हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत, प्रोग्रामिंग सीखना है। अगर हम प्रोग्रामिंग नहीं सीखेंगे तो फिर, क्योंकि देखिए ये क्या करेगा, ये आपको मदद करेगा कोड जो भी काम आपको रिपीट करना है, लेकिन अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो ये वही चीज प्रोवाइड करेगा जो ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना। ये नई चीज को नहीं लाएगा, नई चीज तो इंसान अपने दिमाग से ही सोच के। एक प्रोग्रामर का स्किल क्या होता है? प्रोग्रामर का स्किल खाली कोड लिखना नहीं है, जो किसी ने पहले से लिखा है कोड लिखना नहीं है। प्रोग्रामर का स्किल ये भी है कि नए लॉजिक पे काम करके नई चीज, नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो वो नई प्रॉब्लम तो जो है एक प्रोग्रामर ही सॉल्व करेगा ना। हाँ ये जरूर है कि ये हमारे काम को आसान जरूर करेगा, कि कोई भी चीज है जो बहुत कॉमन है वो उसमें टाइप करने की जरूरत नहीं। हम इससे कह सकते हैं कि भैया ये इसका कोड हमें ये लिख के दे दो, ठीक है ना। एक बेसिक वेब पेज बना दो, एक ऐसा जो है एक प्रोग्राम बना दो। हमको प्रोग्राम बनाना है कि भैया हम कहें भैया टिक टैक टू का प्रोग्राम बना दो, या फिर पाइथन में जो है कोई भी प्रोग्राम बना दो, तो ये सारे काम कर देगा, ठीक है ना। लेकिन फंक्शन कैसे बनाया जाता है पाइथन में ये बता दो, सब कुछ बता देगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है इसका एग्जाम्पल बता दो, सब कुछ बता देगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप बात करते हो जो है रियल वर्ल्ड में जॉब करने की, तो वहां पर क्या होती है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना वो आप तभी कर पाओगे जब आपके अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग स्किल्स होगा। वो प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है, हाँ ये जरूर है कि आपको कोडिंग में मदद करेगा, लेकिन ये प्रोग्रामर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये तो बात हो गई, क्योंकि देखिए इसमें इसमें रीजन भी दे रहा है, कह रहा है कि एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व होती है प्रोग्रामर्स के जॉब में, तो वो इतना आसान नहीं है। आर्किटेक्चर और डिजाइन इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन इन्वॉल्व होता है, डेबगिंग और मेंटेनेंस इन्वॉल्व होती है, और कोलेबरेशन और कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तब जाके आप जो है अच्छे प्रोग्रामर कहे जाते हैं। तो इसलिए खाली, हाँ ये है कि हाँ कोड को लिखने में आपकी मदद कर सकता है, आसान कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये प्रोग्रामर को कहीं रिप्लेस कर दे तो ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक है, बाकी देखिए हमने जो है आपको दिखाया चैट जीपीटी कैसे काम करता है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको हम ये भी दिखाएंगे कि चैट जीपीटी आपको यूज करना हो तो आप कैसे साइन अप कर सकते हैं, और कैसे आ सकते, कैसे जो है लॉग इन कर सकते हैं, उसके बाद आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जितने भी लोग चाहते हैं। वैसे ज्यादातर तो लोगों को पता होगा, बहुत आसान प्रोसेस है। आप जाइए ओपन एआई की वेबसाइट पर और वहां पर जो है साइन अप करिए। ईमेल पूछेगा, आपका फोन नंबर मांगेगा, और जो है जैसे आप साइन अप करेंगे वो फ्री साइन अप है, ठीक है ना। ये हमने तो चैट जीपीटी 4 है, ये तो पेड मेंबरशिप है, लेकिन जो है जो आपका जो बेसिक मॉडल होगा वो आपका वो भी फ्री है, वो बेसिक मॉडल भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो वो भी आपके सारे सवालों का जवाब दे सकता है। तो इस तरीके से जो है आप वहां पर जाके उसको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम जो है उस पर एक अलग सा वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके के वीडियोस आप तक हम पहुंचाते रहें। टेक केयर, गुड बाय, सी यू देन।